सो हेलो दोस्तों, इस तरीके की आप HDR वाली इफेक्ट को एलाइट मोशन से इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये इस इफेक्ट में हल्का ब्लू इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आपका एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से अपनी वीडियो के हिसाब से किसी भी साइज को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से इस क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और ऊपर में जो मीडिया वाला ऑप्शन है तो इसको भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों ऐसा करते ही आपकी एल्बम की जितनी भी फोटोज या वीडियोस होगी सारी खुल के चली आएगी। तो अभी आपको वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों हमने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली है, आप लोग देख सकते हो इस पर कहीं भी इफेक्ट अप्लाई नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको इस वीडियो की लेयर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से अभी आपको इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से नीचे कर देना है तो सबसे आखिरी में एक ओदर का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस ओदर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इस RGB को सेलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है चैनल रैंप RGB। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अभी आपको इस बी वाले लाइन में से जी को सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है और अभी आपको फिर से इस एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ पर से इस कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो यहाँ पर एक सैचुरेशन वाइब्रेंस वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी आपको इस सैचुरेशन वाइब्रेंस को भी एडजस्ट कर लेना है, तो सिंपली से इस सैचुरेशन वाइब्रेंस पर क्लिक कर देना है और ऊपर में जो सैचुरेशन है इसको आपको अराउंड 20% के आसपास रख लेना है और उसके बाद आपको नीचे वाइब्रेंस पर चले जाना है। तो दोस्तों इसको 1.50 के आसपास रख लेना है। दोस्तों मैंने इतना भी रखा है, आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी रख सकते हो। दोस्तों इतना रख लेने के बाद आपको सिंपली से स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। तो अभी आपको वीडियो की शुरुआत में चले आना है और यहाँ पर से आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शेप जैसे ही सेलेक्ट होगा उसके बाद आपको यहाँ पर से इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपको इस पिंक वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक कर देना है और यहाँ से इस शेप को जूम करके अपने फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको नीचे कर देना है तो एक डिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस डिफरेंस के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको तीसरे नंबर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है। अभी आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको सबसे आखिरी में चले जाना है, इस ओदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड। तो दोस्तों इस कॉपी बैकग्राउंड को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी आपको सिंपली से यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और यहाँ से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। तो अभी आपको सिंपली से दोस्तों इस ब्लर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर से दोस्तों इस गॉसियन ब्लर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको फिर से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से इस कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से इस एक्सपोजर गामा वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों एक्सपोजर गामा वाला इफेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको इस गॉसियन ब्लर को एडजस्ट कर लेना है, तो ऊपर में जो गॉसियन ब्लर है इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ को आपको 500 के आसपास रख लेना है। दोस्तों आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी रख सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है और अभी आपको इस एक्सपोजर गामा को एडजस्ट करना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है और ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको आपको -0.20+ रखना है और उसके बाद आपको नीचे चले जाना है गामा वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों इसको भी आपको कम कर लेना है, तो मैं इसको रखने वाला 0.900 के आसपास और उसके बाद नीचे चलते हम लोग ऑफसेट वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों इस ऑफसेट को आपको -0.10% रख लेना है। दोस्तों इतना रख लेने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। तो अभी आपको फिर से इस प्लस के बटन पर एक बार क्लिक कर देना होगा और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद आपको इस शेप को जूम करके अपने पूरे फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे चले जाना है तो एक कॉन्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस कॉन्स्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फर्स्ट में मिलेगा ओवरले। तो दोस्तों इस ओवरले को सेलेक्ट करते ही आपकी इफेक्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इसमें हमारा ब्लू वाला जो इफेक्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अब इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई करना है। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर से सभी इफेक्ट को मार्क कर लेना होगा। तो अभी देख सकते हो इस पर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो अभी आपको धीरे से आपको वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और जाने के बाद दोस्तों इस वाले निशान पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आपकी इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में अप्लाई होगी, कहीं भी बची नहीं रहेगी, पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाएगी।
तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है और नीचे एक्सपोर्ट वाला एक ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो और इफेक्ट आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना।